और जो चीज़ें मुझे लगी मुझे उस घर के अंदर करनी चाहिए थी, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मेरा स्टाइल है। उसने मुझे दो चार लाइन्स और बोली तो मैंने वापस आके वो फेंका, क्योंकि मेरे को पता था मैं पोक करूँगा ये अभी कूदेगा मेरे पे। आप बदतमीजी से बात मत करो तो आपको किसी का पोकिंग नेचर लगेगा ही नहीं। और मेरे करियर में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती क्योंकि मैं पास्ट में रहता नहीं, बैगेज लेके चलता नहीं। यार उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी एविक्ट हो जाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ आई थिंक एक महीना हुआ था, जो कि मतलब चार वीक हुए थे सिर्फ। और मेरे अलावा आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं एविक्ट हो गया हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूरी। भगत जी फुल ऑन रेस्ट मोड पे हैं, और उसके बाद एलिस है। एलिस जो है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को डिफेंड करना उनका जैसे घर में काम होता है वही रह गया है, और वो अपनी फ्रेंडशिप के एक शेल में बंध के रह गई हैं। तो अभी दो दिन पहले शायद उन्होंने सबके पास जाके बात करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घर में कुछ भी मतलब इतना कोई सहयोग नहीं है कि वो घर में दे रही हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक इंसान को डिफेंड करना। तो नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ दोस्ती है और बहुत अच्छी दोस्ती है, दोस्ती से बढ़कर कतई भी कुछ नहीं है और ना ही कभी होने वाला है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा शो, तो शो में अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुई और किसी चीज़ की वजह से मेरा राड़ा हुआ किसी के साथ, तो वो इसी चीज़ की वजह से हुआ है कि बिना बात का बिल मत फाड़ो यार मेरे पे, ऐसा कुछ है नहीं है, बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, रिश्तों को बहुत कॉन्शियसली लेता हूँ मैं। तो मेरा और नायरा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत देर बाद दोस्ती बनी है, और मैं दोस्त बनाने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं नहीं है, तो अगर दोस्ती बनी है तो ऑब्वियसली मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगा। मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ वो शो नहीं रह गया कि मैं उस शो को अपने गले में डाल के हार की तरह घूमता रहूँ कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। विक्टिम कार्ड प्ले करना शहज़ादा धामी का स्टाइल नहीं है, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वीक नहीं हूँ, कमज़ोर इंसान नहीं हूँ मैं। अगर आप कहते हो कि मैं वो बोरा सर पे ढोके और सबको अपना गुणगान गाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, देखो ना यार मेरे पे तरस खाओ ना यार ये करूं, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शो के अंदर जाके भी मैं ये सब चीज़ें बोलने वाला हूँ, तो सॉरी गाइज, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, अब ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट है। पास्ट में जो इंसान रहता है उसका प्रेजेंट खुद ख़राब हो जाता है, तो मैं अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहता, मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। और जो चीज़ें मुझे लगी मुझे उस घर के अंदर करनी चाहिए थी, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मेरा स्टाइल है। और अगर किसी के साथ गलत होगा और कोई भी चीज़ गलत होगी मेरे सामने, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और बोलूँगा, वो मैंने शो में किया है और करता रहा। मेरा ये मानना है कि ये शो की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि हर बार हर बिग बॉस में ये बोला गया है, जैसे जितना कि मैंने सुना है कि बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, बिग बॉस बायस्ड हैं, चैनल का फेस है, चैनल का फेस है, चैनल का फेस है, इसी को जिताने वाले हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आई थिंक ये गेम प्लान था, एक पैंतरा फेंका गया था कि लाडले वाला, जो कि एक लाडला टैग विवियन को दिया गया था, जो कि और कंटेस्टेंट्स के लिए था कि हाँ चलो इस बार हमने लाडला बना दिया, ये हमारा फेवरेट है, अब इससे जीत के बताओ, लड़ के बताओ। बाकी काफ़ी सारे लोग थे जो बोल ही नहीं पाते, आपने देखा होगा शो देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग हैं जो डर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन ये शो की स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। अब उस मेरी बात खत्म नहीं हुई तो लाडला अगर मिला है, लाडला टैग मिला है, तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भैया तुम्हें लाडला बोल दिया है, तुम लाडला लाडला बनो, डालडा मत बनो, कि अच्छे से रहो। अब उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली घर में किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी टोन में भी बोल दे रहे हो, वो चीज़ें गलत हैं, वो नहीं करनी चाहिए। जब रजत विवियन को बोल रहा था, नहीं आपको कहा था, हाँ मतलब मेरे बारे में कह रहा था, हाँ वो मेरे बारे में कह रहा था, आपने देखा होगा मैं ऊपर से आ गया था जब, तो मैंने बोला था यार तू मेरी बात में मत बोला कर, क्यों बोल रहा था मेरी बात में, तो अपने आप काम से काम रखना। अभी विवियन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज छोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत किसी को अपना खाना दे रहे हो, धार्मिक बातें कर रहे हो, उसके बाद बहुत तहजीब से बात कर रहे हो, किसी से पंगा हो रहा है, बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो, लेकिन धीरे 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 करते आपकी टोन बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपका बात करने का लहजा बदल गया, तमीज़ बदल गई, बदतमीज़ी आ गई। तो जो रियल फेस, जो स्टार्टिंग में चीज़ें, हम किसी से इंसान पहली बार मिलता है ना तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करता है,
तभी लोग कहते हैं कि यार जब भी कोई आपको पहली दफ़ा मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो इंसान कैसा है. तो आई थिंक वो जो बाद में उसका रूप आया वो उसका रियल है. ओके, और रजत और आपकी जो फाइट हमने देखी है यहाँ पर, आप दोनों ने एक दूसरे को धमकी भी दी, तो अब रजत के बाहर आने के बाद कौन किसको किसका कॉल जाएगा? अरे कोई धमकी वमकी नहीं थी यार, ठीक है, गेम है वो. अगर आप बिग बॉस जानते हो, अगर आप सब लोग मुझसे ज़्यादा सीनियर हो बिग बॉस को देखने के मामले में, 18 सीज़न देखे हैं आपने, ठीक है, तो मेरे से बहुत सीनियर हो अगर आपने ये सब देखा है. तो ये गेम प्लान होते हैं, आपने किसी इंसान का पोक पॉइंट पकड़ा है, उसको पोक कर रहे हो, आपका वो पोक करने का स्टाइल है, और अगर वो उस पर पोक हो रहा है तो आपकी गेम कामयाब है. तो वो जैसे मुझे गालियाँ दे रहा था अंदर, मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं उसको इतना ही बोल रहा था कि यार तू ही होगा, अगर तू मुझे बोल रहा है तू ये होगा. और उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि बाहर बाहर चल, तेरे को मैं देखता हूँ. तो फिर उसके बाद जब उसने मुझे दो चार लाइन और बोली तो मैंने वापस आके वो फेंका, क्योंकि मेरे को पता था मैं पोक करूँगा, ये अभी कूदेगा मेरे पे. क्योंकि शुरू से लेके अब तक जो उसने स्टोरीज अपने बारे में समझाई थी, बताई थी, उसका बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखा था, जो ऑब्जर्व किया था, मेरे को पता था ये करेगा ही करेगा. और मैंने वो बोला और उसने अटैक किया, और आपको बहुत सॉलिड एक असली गंदी लड़ाई जो बिग बॉस घर में देखने को मिली, इकलौती वही थी. पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे. कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें चूज कर रहा था, बहुत मीटिंग्स चल रही थी मेरी, सब था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप भी हैं मेरी जो आगे पुश की हैं मैंने सिर्फ इस शो की वजह से कि उसका आगे उसका शूट होगा. तो और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिग बॉस किया है कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने बिग बॉस किया कि मुझे मेरी इमेज क्लियर करनी थी, मुझे कुछ बताना था, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरा मोटिव नहीं था बिग बॉस में जाने का. बिग बॉस में जाने का इकलौता मोटिव ये था कि पहले तो मुझे कलर्स के साथ काम करना है. वायाकॉम एंड मॉल बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एंड मैंने काम किया है, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया. और उसके बाद कोई मेरी इमेज मुझे क्लियर करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज मेरे लिए कभी ख़राब ही नहीं हुई है. अगर कोई इंसान आपके बारे में उसका क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका दिमाग कहता है आपके लिए, अगर वो कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो उसकी चॉइस है. मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा अंदर जानता है. और ये शो करने का मेरा मेन मोटिव था कि व्यूअरशिप इतनी है कि जो इंसान कुछ नहीं देखता वो बिग बॉस देखता है, और ये रियलिटी शो है, तो रियल जो मेरा फेस है, जो मैं रियल हूँ, वो सबको नज़र आएगा, और मैं रियल ही रहा हूँ, और सबने देखा है कि मैं कैसा हूँ. अगर आपको लगता है कि ऐसा रहने से मेरी इमेज क्लियर हो गई है, तो आई एम ग्लैड कि मेरी इमेज क्लियर हो गई. और अगर आपको लगता है कि इस वजह से मुझे और काम मिलेगा, तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे और काम मिलेगा, मैं खुश हूँ. नहीं, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं है. एक ही रिग्रेट है कि मेरे को बहुत जल्दी एविक्शन मिल गया. मैं रहना चाहता था और खेलना चाहता था बहुत सारे, और अभी तो सारे मुद्दे इकट्ठे हुए थे कि मुद्दों का इतना बड़ा बैग इकट्ठा हो गया था कि हाँ यार, अभी ना अभी आप पहला हफ्ता जाते हो, पहले हफ्ते कितने ही मुद्दे आपके बन जाएंगे, ठीक है. वो अननेसेसरी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं क्लियरली बोलता हूँ, ब्लंट बोलता हूँ, जो पहले हफ्ते लड़ाइयाँ होती हैं वो अननेसेसरी होती हैं. अगर स्ट्रॉन्ग मुद्दा होगा कोई कोई लड़ाई होगी. अन्य मैं अभी अभी बताता हूँ कि किसी की स्टेटमेंट की वजह से मेरी इमेज क्रिएट नहीं होती. मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान मेरे लिए कुछ भी बोल रहे, मैं जो हूँ वो हूँ, वो लोगों को दिख जाएगा और वो नज़र आया है. मेरा कोई पोकिंग नेचर नहीं है. पोकिंग नेचर आपको तब लगना शुरू होता है कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको उस गलती के लिए बोल देता हूँ कि आपने ये किया है, और आपको वो पोक लगता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो है ही नहीं है ना. आप सब जो चीज़ बोलो वो जस्टिफाइड कि हाँ यार, मैं मेरा तो पॉइंट है भाई, मैंने ये किया, सही बोला. ये पोक करता है, क्या पोक करता है? आप बदतमीजी से बात मत करो तो आपको किसी का पोकिंग नेचर लगेगा ही नहीं. और मेरे करियर में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि मैं पास्ट में रहता नहीं, बैगेज लेके चलता नहीं. तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड अंदर जाता हूँ, गलती तो नहीं कोई कि मैंने गलती की है, मुझे नहीं लगता मैंने गलती की है. कुछ एक वर्ड था, आप सब ने बोला कि मैंने शिल्पा जी के लिए कुछ बोल दिया, बट मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है यार, मेरा वो व्यक्तित्व नहीं है कि मैं किसी बड़े को ऐसे बोलूँ. अगर मेरे से गलती से निकली है तो मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था. और अगर आपने देखा भी होगा कि पास्ट में भी जो भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो चीज़ें मेरे बारे में बोली जाती थी, मैंने XYZ इंसान के लिए कभी मैंने बैड वर्ड यूज़ नहीं किया. तो मैं एक ऐसे इंसान के लिए मैं कैसे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ? मेरे को मेरा बैरियर पता है, मुझे मेरी अपब्रिंगिंग पता है, मुझे पता है तहजीब में कैसे रहना है, सब पता है. हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरी रहती है कि मुझे क्या बोलना है. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर्ट होते हो, हर्ट होकर चीज़ें निकल जाती हैं मुँह से, आप बोलना नहीं चाहते. अरे तो मैं यही तो पता नहीं, वो भी गेम ही है बिग बॉस की. कोई टॉप टू नहीं है बेटा, कोई टॉप टू नहीं है, ये सब ये हैं, कोई भी नहीं है. अभी अभी टॉप टू कोई भी नहीं है.
ये चार हफ्तों में तुम क्या जज कर लोगे यार, 26 एपिसोड में तुम किसी को क्या कर लोगे? अभी 105 एपिसोड है ना, 105 मतलब अगर मैं बोल दूं, अगर बिग बॉस बोल दे कि मैं जीत गया, पहले ही बोल देंगे गेम चले, नहीं हो सकता ना, तो वो गेम प्लान होता है। अच्छा आपको कंफर्म है? मुझे कंफर्म नहीं, जितने भी व्यूअर्स हैं बिग बॉस के वो तो कंफर्म नहीं, मुझे कंफर्म नहीं, मुझे नहीं कंफर्म है कि वो टॉप टू में है, क्योंकि ये बिग बॉस है। अगर अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बिग बॉस हाउस को कोई लीड कर सकता है, कोई कंटेस्टेंट लीड कर सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लीड तो बिग बॉस ही करते हैं, कब वो चीज़ें फ्लिप कर देते हैं आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये क्या कर दिया बिग बॉस। जैसे अभी अभी रजत के साथ हुआ, जब राशन बाहर कर दिया उसका स्माइल करा था, मुंह ऐसे होगा, कहता ये क्या हो गया यार मेरे साथ, विनर के रूप में किसे देखा था आप हैरान हो जाओगे। रजत दलाल जैसे शुरू शुरू में आया था ना, अगर वो वैसा रहेगा तो मैं उसको देखना चाहूंगा, अगर जैसे अब है वो मैं नहीं देखना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड फेस पे सबके मुंह पे, किसी को जाके मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, भाई मैंने तेरे को बोल दिया बस बात खत्म हो गई, ये नहीं अभी क्या करने लगा हुआ, तेरे को बोला उधर बोला उधर बोला उधर बोला उधर बोला, ठीक है फिर उसके मेरे झगड़े के बाद उसके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही पोलाइटनेस आ गई है उसके बाद। तो अगर वो जो पहले था वैसा रहे तो मैं चाहूंगा कि अनफिल्टर्ड इंसान। ओके थैंक यू। जो जोड़ी बनाई जा रही है आपको क्या लगता है? अच्छा उसके साथ बनाई जा रही है? यस। दे दो एक आंसर। ये लास्ट आंसर है। किसके साथ? रजत और चांद की जोड़ी, भैया और भाभी का भी टैग दिया जा रहा है। मियां बीवी का भी टैग दिया गया है। मियां बीवी का भी दिया जा रहा है। मियां बीवी वाली लग रही है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है यार, ऐसे नहीं हो सकता। रात हैशटैग भी बन चुका है। अच्छा जी, बहुत गलत है, गलत बातें मत करो फिर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। अंदर रहकर कभी ऐसा फील हुआ आपको कि यार दोनों सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।